हाँ जी वेलकम बैक गाइस हर गूगल एड्स प्रैक्टिशनर को यह पता है कि गूगल के अपने कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जिनको आप स्किल शॉप से ले सकते हैं मतलब अगर आप गूगल सर्च एड्स रन करते हैं तो आप गूगल सर्च एट्स सर्टिफाइड बन सकते हैं गूगल डिस्प्ले एड्स रन करते हैं तो गूगल डिस्प्ले एड सर्टिफाइड आप बन सकते हैं उसके लिए आपको एक छोटा सा जो असेसमेंट है वो पास करना होता है कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अगर आप उसका सही से आंसर दे देते हैं ऑनलाइन ही एक तरीके का ये टेस्ट होता है तो बेसिकली आप सर्टिफाइड हो जाएंगे रिसेंटली गूगल ने प्रोफेस नल्स के लिए केवल तीन और सर्टिफिकेशंस को पायलट बेसिस पर जो है वो लॉन्च किया है जब मैंने और ज्यादा इसकी रिसर्च करी तो मैं एक दो डॉक्यूमेंट्स के क्रॉस आया और मैंने स्किल शॉप के अंदर जाकर भी इन सर्टिफिकेशंस के बारे में समझने की कोशिश करी तो बड़ी सारी नई चीजें जो है वो हमें समझ में आई इन्होंने जो एग्जाम देने का तरीका है उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया अब तो बहुत ही नई नई चीजें लेकर आ रहा है गूगल एड्स यहां पर पहले हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं ये जो एक डॉक्यूमेंटेशन है इसके हिसाब से सो आप देख सकते हैं ये आपको एक डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है विच इज Google's सर्टिफिकेशन पायलट राइट सो अभी एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए न्यू गूगल एट सर्च प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन फॉर प्रैक्टिशनर्स तो यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस भी बताया हुआ है कि जो आपके एग्जिस्टिंग गूगल एट सर्टिफिकेशन है उनसे ये नए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन किस तरीके से अलग होंगे जैसे आपका पहले गूगल एट सर्च सर्टिफिकेशन होता था यह आपका गूगल एट प्रोफेशनल सर्च सर्टिफिकेशन हो जाएगा राइट right? सो so, जो हमारे एक्जिस्टिंग गूगल एट सर्टिफिकेशन थे देवर ओनली फोकसिंग ऑन वैलिटिंग लर्नर्स बिजनेस नॉलेज ज ऑफ प्रोडक्ट दे सर बोथ स्ट्रेटेजिस्ट एंड प्रैक्टिशनर्स नए प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है उसमें प्राइमरली इट विल सर्व प्रैक्टिशनर्स एंड फोकस ऑन प्रोसीजरल नॉलेज इन एडिशनल टू द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज प्रोसीजरल यहाँ पर सीधे से मतलब इम्प्लीमेंटेशन है कि प्रैक्टिकली कैसे चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा उसकी भी नॉलेज जो है वो जस्टिफाई होगी इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन से दिस एग्जाम विल बी वर्चुअली प्रोक्टर्ड मतलब यहां पर ना अगर आप एग्जाम देने जाएंगे सर्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी जो है वो स्ट्रिक्ट कर दिया इसको आपको अपना आईडी वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा वेब म आपका इनेबल होना चाहिए लॉक्ड ब्राउजर्स होने चाहिए आप थोड़ी से शांत जगह पर होने चाहिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें अगर आप वो नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप एग्जाम में फेल हो जाएंगे तो जो इनकी गाइडलाइंस है इसके ऊपर भी अभी मैं आऊंगा तो इन्होंने छोटा सा और यहाँ पर कंपेरिजन किया हुआ है एग्जिस्टिंग गूगल एट सर्टिफिकेशन में दे आर वट इज कि प्रोसीजरल नॉलेज नहीं है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इज देयर बिजनेस नॉलेज इज देयर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है प्रोडक्ट का बजट एंड बिडिंग बजे बिजनेस नॉलेज का मतलब हो गया मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग और की मैट्रसेस क्या है जो आप कैंपेन्स चलाते वक्त जिनका आप ध्यान रखते हैं प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब होता है बिल्ड करना कैंपेन्स को इंप्लीमेंट करना ऑप्टिमाइज करना रिपोर्ट करना ट्रैक करना, करना और ट्रबल शूट करना तो ये प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज थी जिनको इन्होंने न्यू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में एड किया हुआ है राइट सो so, अभी ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लॉन्च किए गए एज अ पायलट एंड विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ 2023 या जब तक के सारे एग्जाम स्लॉट्स इनके जो है वो फिलअप ना हो जाए मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी नए सर्टिफिकेशंस के बारे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ शायद ये जो सर्टिफिकेशंस हैं ये पेड भी हो जाए अभी मैंने ऑफिशियली तो कहीं पर नहीं देखा है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ ये वाले जो सर्टिफिकेस हैं वो पेड हो जाए हो सकता है दो से ही ऐसा हो जाए कि ये सर्टिफिकेशन आपके पेड हो जाए अब अगर हम वापस आ जाएं अपने स्किल शॉप के ऊपर तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा गूगल एड सर्च प्रोफेशनल असेसमेंट है हो सकता है हम बहुत सारी चीजें इसमें ब्लर कर दें इसलिए क्योंकि जो इनका एग्जाम के क्वेश्चन मैं नहीं दिखा सकता यहां पर वो इनकी पॉलिसी के जो है वो अगेंस्ट है बट मोटी मोटी मैं चीजें आपको बता रहा हूं जब आप अपने स्किल शॉप को एक्सेस करेंगे तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है जैसे मैं यहाँ पर देखता एंड अगर आप देखें तो स्किल शॉप के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो गूगल एड सर्च से रिलेटेड ये सारी चीजें एंड देर इज वन सर्टिफिकेशन और ये हो गया हमारा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इसी तरीके से डिस्प्ले का प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है एंड अगर मैं बात करूं यहां पर तो आप देख सकते हैं ये सर्च सर्टिफिकेशन है ये गूगल एड्स का डिस्प्ले सर्टिफिकेशन है टिक लगने का मतलब कि मैंने वो एग्जाम पास कर लिया है और मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है राइट पावर्ड शॉपिंग एड्स का सर्टिफिकेशन है गूगल एड्स का वीडियो सर्टिफिकेशन है बट अगर आप यहां पर देखेंगे तो तीन आपको ना नए सर्टिफिकेशन दिखेंगे ये वाले गूगल एड्स का सर्च सर्टिफिकेशन प्रोफेशनल और गूगल एड्स का डिस्प्ले प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और गूगल एड्स का वीडियो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस ये आपको देखने को मिलेंगे फाइन सो ये तीनों सर्टिफिकेशंस नए हैं एंड वंस यू विल क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज आप इस तरीके के इंटरफेस के ऊपर आएंगे ये हमारा पुराना वाला गूगल एड्स का सर्च असेसमेंट है बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो सर्च प्रोफेशनल असेसमेंट है अब अगर आप डिस्क्लेमर पे जाएंगे जैसे ये हमने प्रोफेशनल वाले का डिस्क्लेमर ओपन किया कोर्स का और यहां पर हम लोग नॉर्मल वाले का जो डिस्क्लेमर है वो ओपन करते हैं अब आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा यहां पर देखिए यू हैव रिव्यूड एग्जाम सिक्योरिटी गाइडलाइंस यह आपको यहां पर दिख रहा है बट अगर आप यहां पर देखें तो आपको ये चीज नहीं दिख रही सो so, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर इन्होंने प्रॉपर गाइडलाइंस दी हुई एग्जाम सिक्योरिटी गाइडलाइंस के ऊपर अगर आप जाएंगे देन यू विल फिगर आउट कि द स्किल शॉप सर्टिफिकेशन यूजेस ऑनलाइन प्रोक्टरिंग सर्विसेज मतलब एक प्रॉक्टर जो है वो रहेगा आपके साथ एक तरीके से आपको ऑनलाइन पूरा वो देखेंगे कि किस टाइप से जो है आप एग्जाम्स दे रहे हैं कुछ गड़बड़ वगैरह तो नहीं कर रहे हैं तरीके से एग्जाम दे रहे हैं या नहीं अब इसके लिए एज द पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस बिफोर द एग्जाम यू विल बी आज टू गेट अ पिक्चर ऑफ योर फोटो आई डी टेक अ पिक्चर ऑफ योर फेस रिकॉर्ड अडियो ऑफ यूर टेस्ट टेकिंग एनवायरमेंट राइट ड्यूरिंग एग्जाम अक्टर विल मोनिटर योर एक्टिविटी योर वेब कैम एंड्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर राइट यू आर नॉट एलाउड टू हैव ओपन बुक्स यू आर नॉट अलाउड टू हैव नोट्स टू यूज स्क्रैच पेपर रेस्ट रूम ब्रेक्स भी नहीं मिलेंगे आपको यू नॉट अलाउड टू यूज एनी्ड कैलकुलेटर राइट यू हैव कैलकुलेटर बिल्ट इन यूर टेस्ट स्क्रीन क्योंकि कुछ कैलकुलेशन मैट्रिक वगैरह की सवाल हो सकते हैं आज ये यू आर नॉट अलाउड टू यूज हेडफोन्स यू आर नॉट अलाउड टू वीयर है टेक यूर एग्जाम इन पब्लिक एरिया विदाउट एनी पीपल इन द बैकग्राउंड अब जो लोग ऑफिस वगैरह में बैठे वो कैसे देंगे राइट द मॉडरेट बैकग्राउंड नॉइज इज

ले सकते हैं राइट एंड एज स्ट्रक्शन भी दिया हुआ है इफ यू रिक्वायर स्पेशल अकोमोडेशन फॉर एग्जाम कॉन्टेक्ट दिस राइट एट एटलीस्ट वन बिफोर यू इंटेंड टू टेक द एग्जाम आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस चीज को देखा नहीं है बट दिस माइट बी लाइक कि वो आपको बोलेंगे इस प्लेस पे जाकर मे बी गूगल के कुछ पार्टनर सेंटर्स हो दे कैन अलाउ यू कि आप इस प्लेस पे जाकर यू कैन गिव द एग्जाम तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में दे आर गोइंग टू डू समथिंग पेड ठीक है बिल्कुल वैसे ही जैसे फेसबुक का जो ब्लू प्रिंट सर्टिफिकेशन है वो पेड है उसी तरीके से मुझे पूरी तरीके से लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज हो जाएगी लेट सी कि वो क्या होगा तो अगर आप चाहें तो इन तीनों एग्जाम्स को दे सकते हैं यहां पर अगर आप जाएंगे तो इनसे रिलेटेड आपको मटेरियल भी मिल जाएगा जो सर्टिफिकेशंस के लिए रिक्वायर्ड कोर्स का कंटेंट होता है वो भी आपको मिल जाएगा सो so, अभी मैंने ये सारी चीजें ट्राई नहीं करी है बट क्योंकि टाइम का एक इशू है तो उसके लिए मुझे लगा पहले मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को भी बता दूं इन केस अगर कोई करना चाहता है तो वो कर सकता है ये सारे तो हमारे पुराने सर्टिफिकेशन आई हैं सो so गाइज आशा करता हूँ बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही नेक्स्ट में गुड बाय